अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की तरह मैं हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने सुबह नाश्ते की रूटीन। चले आइए देखते हैं। आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी घी। और मैं डालूंगी इसके अंदर प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजों को हम करेंगे फ्राई। इसके साथ ही मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूंगी। इनको थोड़ा सा कर लेते हैं हम फ्राई। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, 20 रुपये किलो मिल जाते हैं, तो बंदा इसको बीज भी कर सकता है ला के, क्योंकि ये हर चीज़ में डलते हैं, हर खाने वाली मतलब चीज़ों में डलते हैं। इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं ना। जब ये महंगा हो जाता है तो फिर तो बहुत मसला होता है। मसाले तो इसके अंदर थोड़े ही जाते हैं ऑमलेट के अंदर। मेरे पास ज़रा मिर्चें हैं, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली। ज़रा मिर्चें मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए अंडे के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। नमक खास में ज़रूरत है। इसके अंदर डालूंगी मैं 2 अंडे। अंडों को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडे अक्सर ख़राब भी निकल आते हैं, तो मैं चेक करके डालने लगा तो बेस्ट रहता है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अंडे। इसमें डाल रखी बस ये 1 मिनट और मैं बनाऊँगी तो ये हो जाएगा तैयार, और उसके बाद बनाते हैं हम पराठे। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ
अंदर लगाऊंगी अच्छा घी घी से बड़े ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। कुछ लोग ऑयल लगाते हैं, बेस्ट घी है। इस तरह मैं इसको मोड़ लूँगी। अब मैं इसको रखूंगी 2-3 मिनट, पेड़ों को रख के फिर मैं बेल के बनाती हूँ। तो अभी बस पराठा मैंने बेल लिया, 2 मिनट रख के पेड़े को। तो ये भी बस ये देखिए पराठा हो चुका है तैयार। इसी तरह मैं दूसरा पराठा बना लेती हूँ, फिर दिखाते हैं जी। तो नाश्ता हो चुका है तैयार, ये ऑमलेट पराठे। और संडे को बाजार का नाश्ता ना हो ये तो नहीं सकता। ये है खोए वाले चने और साथ है कुलचे, साथ में लस्सी है। ये भी आपकी हमारी संडे की रूटीन, आम रूटीन में हम डबल रोटी खाएंगे, डबल रोटी आटा ही खाते हैं और ये संडे को होता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।